हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी गामा रिएक्शन। तो मैं उम्मीद करता आप सब लोग खैर से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। तो मेरा नाम मात और मेरा नाम है खुरम। तो यार मतलब सब गड़बड़ हो गया है और फिर हेरा फेरी शुरू हो चुकी है। हाँ। लेकिन अब आगे देखते आगे होता है, क्योंकि वहां से मुन्ना भाई ने जो है ना 3-4 करोड़ रुपए मार ली और यहाँ से राजू लोग कह रहे हैं कि उनके पास बल्कि गने आ चुकी हैं। अब वो देखते हैं कि उनको लूटते कैसे। यार मस्त मूवी है यार, यकीन करो देख के बहुत मजा आता है यार। जल्दी स्टार्ट करते हैं, 3-2-1 एंड स्टार्ट। ओ अबे ये तो जोगरो वाले सूट पहन लिया है इन्होंने, बेस पे पहन लिया ना। अच्छा हो रहा बाबा, मेरा मोहिनी थिएटर का पीटी से जोकर का ड्रेस भी मिल गया। ये ना क्या सूट पहन लियो इन्होंने जोगरो वाले, ताकि पहचान में ना आए। छुप जाओ, चलो छिपने का है। ओ चलो छुपना का है, कहाँ जा रहे हैं यार? बाहर क्यों नहीं जा रहे हैं बाबा? अपने घर में छुपने का, किसी को पता भी नहीं चलेगा। बराबर के नहीं राजू, छुपना नाम नहीं लेने का, तू समझा श्याम? ये राजू बराबर बोलता है, किसी का नाम नहीं लेने का। हो टोपी संभालो, नाम क्यों ले रहे हैं आप? छुप जाओ, कहीं भी पीछे जाके छुप जाओ सब लोग। यानी कि इनका ये प्लान कामयाब होगा जहाँ बाबू भाई होंगे। ये भी देख रहे किधर गए? अरे क्या कर रहे हो आप? तू बोला ना पीछे छुप जाने को। अरे मेरे पीछे मत छुपो, उधर जाके कहीं छुपो। पड़ोसियों को पता नहीं चलना चाहिए, काम करो तरीके से। यस सर, देखो चक्का मचा बे चाबी निकल। पुलिस पुलिस पुलिस, वो इधर से डर रहा है, वो इधर से डर रहा है, दोनों इधर से डर रहे हैं। अरे पुलिस है पुलिस, लेकिन ऐसी जोकर की ड्रेस में। पुलिस जोकर की ड्रेस, ये तो बाजू वाला है, ये तो धोतर चोर है रे। अरे तो फिर हम डर क्यों रहे हैं इनसे? असली पुलिस हमारे बाबा। भाई बाबू भाई साहब, सीबीआई से क्या आप लोग? नहीं एसआरबी, एसआरबी एसआरबी ब्रांच के होते हैं ये, तेरे को नहीं ये लोग तो नहीं पहचान सकते ना जोकर के। कोई एक दूसरे के पैर नहीं दबाएगा। बैग पीछे करो, नीचे जल्दी, और अब हाथ ऊपर करो। 3 करोड़ का माल जोकरेस, जाम हाथ तू रस्सी लेके आओ। जोकर भी रस्सी ले आओ। जोकर रस्सी, रस्सी तो मैं भूल गया रे राजू। कैसे भी रस्सी लेके आओ। जोकरार मेरा पजामा का नाड़ा चलेगा? नहीं बाबा, मेरे पजामे का रस्सी है क्या घर में? रस्सी मैं थोड़ा घाई घाई में भूल गया रे। रस्सी है मगर वो क्या है कि बांद्रा में है, जाके लेके आऊं क्या? अभी लेके आता हूं। बांद्रा नहीं रे बाबा, तेरी खोली के सामने तो जिस पर कपड़ा सूखा था ना वो रस्सी ला। वो वाले जा लेके आ जा, लेके आ। अच्छा लेके आ, जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं ये समझ ही नहीं रहे कि ये तेरा कपड़ा सूखा था वो एसआरबी का कोई भी स्पेशल वाले करना है। साहब आपका आवाज किधर देखेले लगता है मेरे को। मैंने भी तेरा थोबड़ा किधर सुनेला लगता है रे। ऐसा ना नहीं, जान पहचान करवा लो। रस्सी रस्सी लेके जाने घूम क्या घूम क्या रिवर्स। हाँ चले गए इतने रस्सी। अबे शादी में आया जो मैं तुझे मंगलसूत्र पहनाऊंगा, बड़ी रस्सी लेके आ, वरना एक गन देगा मार मार के 2 फीट का कर दूंगा, समझे? साहब हम लोग मैनेज कर लेंगे ना साहब, रस्सी ला कर लेंगे ना साहब, पकड़ो। करो तो कैसे करोगे? जोकर भी जोकर है, हेल्प करो, मदद करो। तेरे पीछे मैं हूँ। अबे लानो मैं उनको बांध रहे हैं। अबे ये बांध किस तरह रहा है? टाइट है ना? अरे साहब लूज हमको चलता भी नहीं है। गुड, निकलेगा नहीं ना? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, सुबह तक हिलेगा नहीं साहब, जवान दिया हिलेगा तो 3 बाप का। गुड सर, हेरा फेरी में फिर हेरा फेरी हो यार। अरे झुक के क्या कर रहे हो आप? ताला खोल रहा हूँ। अरे ताला मारने को किसने बोला था आपको? अरे बाजू वाले को लगेगा ना कि बाहर गए, ले तो लगे क्या कि हम लोग अंदर बैठे हैं। ये लात मत मार, रेड़ा खोल रहा हूँ। चलो चलो ओले। अबे मेरे को तो अंदर लो। दरवाजा ही बंद कर दिया यार, बाबू भाई क्या चीज है यार। चलो कॉस्ट्यूम पहना हुआ तुमने अभी भी, और की तुम ओ चलो अंदर चले गए। ले भाई ये तो भाई भी लूट लिया। मैं तुम्हारे साथ वाले गार में हैं। इनको क्या पता वो क्या कबूतरों की तरह हवा में उड़ गए। सॉरी चल मेरे साथ, तेरे को बताता हूँ। चलो माल, जल्दी कॉल, जल्दी कॉल, जल्दी कॉल, जल्दी कॉल।
बहुत दिनों के बाद हरी पत्ती देखने को मिलेगा। हरी पत्ती ये तो घास फूस है। घास नहीं है रे, घास के नीचे देख, वो हम लोग आम के ऊपर घास कैसा बिछाता है, असली माल नीचे होगा। तू देख आम पकाते ना वैसे। अच्छा? माल ये पकेगा। अरे कुछ नहीं है यहाँ पर। अरे ये तो आटा है, आटा भी है इसमें। क्या मायला, ये इतना मेहनत करने के बाद में मिला क्या गाय का तो चारा? ये बेचने से मिलता है। शान को क्या आटा? गांजा। अरे ये घास फूस नहीं है तो ये अपना गांजा है। गांजा और ये हीरोइन है। कौन सा पिक्चर का हीरोइन? अरे पिक्चर के हीरोइन नहीं है, ड्रग्स है। ड्रग्स ये क्या करेंगे? चलो पुलिस वालों को दे देंगे, वो कर लेंगे जो करना है इसके साथ। अरे यार बेवकूफो, अपने को लाखों चाहिए, करोड़ों चाहिए। अरे क्या बात करता है ये घास का, तेरे को लाख रुपया कौन तेरा बाप देगा रे? छे ये लाखों का मालिक करोड़ों का माल है। कैसे मालूम? मेरे को सब मालूम है, मेरे को मालूम है। वो जो 4-5 करोड़ की बात कर रहे थे ना, उन लोग ड्रग्स की बात कर रहे थे। और मैं एक और आदमी को जानता हूँ जो इसकी हेरा फेरी करता है, उसको मैं जानता हूँ। हम लोगों को कम से कम 3 करोड़ रुपए मिलेगा। ले भाई, अब एक और को जानता हूँ उसमें भाई। कर्जा तो चुकता हो जाएगा ना राजू, तेरे को इतना मालूम है ना? सब चुकता हो जाएगा। और बाकी जो गांजा बचेगा उसकी अगरबत्ती बना के बेच डालेंगे। माली माली जोक मारा। सो जाओ समझो करोड़पति बन गए। और टूंडे की तरह मत रहो, पांव सीधे करो। फिर हेरा फेरी। ये राजू मेरा पैसा, ये राजू मेरा पैसा। क्या हो गया बाबू मेरे को? आहिस्ते बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। आहिस्ते बोलो, आहिस्ते बोलो। क्या हुआ, क्या हुआ? वो क्या जोर से बोलो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। सुनो सुनो, मेरे को सपना गिरा कि राजू मेरा पैसा लेके भाग गया। वैसे भी 5 बजे का सपना हमेशा सच ही होता है। ये देख, मेरे भी सुबह सुबह सपना आया कि तू पैसे लेके भाग रहा है और मैं तेरा मर्डर कर रहा हूँ। क्या बात करता है, मंजे राजू का खून और तेरे को फांसी। माने पूरा माल मेरा, पूरा माल मेरा। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप। ये शिंदे, ये मात्रे, ये सब जेंटलमैन लोग इधर आओ रे बाबा। सर क्या हो गया बाबू भैया? भाई ये धोती वाली आइटम तो बहुत नाच रही है। धोती वाली मैं बनाएगा ना पूरा। ये सी वो, ये सी संडा वो, और लोटा भी पूरा चांदी का, पूरा चाल में ये सिक्कर डालेगा। किधर अपना माल इसने चोरी तो नहीं किया ना भाई? अबे ये काले चश्मे वाला सफेद कबूतर, ये क्या चोरी करेगा रे? साला बाजू वाले के कुकर की सीटी बजती है तो इसकी सीटी बजने लगती है। चोरी तो नहीं किया। आज से कोई भी भाई पानी का लाइन में नहीं खड़ा रहेगा। ले भाई फिर शुरू हो गए बड़ी बड़ी बातों में। तीन नल लगा देने वाला हूँ। जिसको गर्म पानी से नहाने उसके लिए गर्म पानी का नल, जिसको ठंडे पानी से नहाने उसके लिए ठंडे पानी का नल, और तीसरा नल नहीं, तीसरे नल में पानी नहीं आएगा बाबा। जिसको नहीं नहाने का वो तीसरे नल के नीचे बैठेगा। बाबू भाई का खाली प्लान फिर शुरू हो गया। तेरे बाप की शादी है क्या रे? ओ, बाप ने शादी किया तभी तो मैं पैदा हुआ। तेरे जैसा नसीब नहीं है रे मेरा। शाम तक धोती को पैसा देने और बाबू भैया बाहर उछल रहे। राजू बहुत बुरा सपना है ये, बाबू भैया सारे चौल के सामने पैसा आने से पहले ढिंडोरा पीट रहे हैं। अरे वो सच मुट्ठी ढिंडोरा पीट रहे हैं सारे चौल के सामने चिल्ला चिल्ला कर। क्या बात कर रहा है? हाँ मैं तो बोलता हूँ यार, बोरिया बिस्तर बांध के हम लोग यहाँ से निकल चलते हैं, नहीं तो पुलिस वाले पकड़ लेंगे अपने को। उसको रोक, मैं ये सब कुछ संभालता। ले भाई क्या प्लानिंग बनाई है भाई। उन्होंने सारे जोगरों मोगरों वाले सूट पहन के जब उनके वहां गए, उन्होंने तो चोरी कर लिया था ठीक है, लेकिन अच्छा ये वो समझ रहे हैं कि ये पुलिस वाले हैं राजू लोग, और राजू लोग समझ रहे हैं कि ये पुलिस वाले हैं, लेकिन उन्होंने पहचान लिया ना। उसके बाद फिर भाई इन्होंने काम असली पुलिस वाले हैं, हम SRBs हैं। और भाई मुन्ना भाई लोग बन भी गए ना बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने बेस बदला हुआ तो उनको पहचान नहीं सकते थे, इसलिए उन लोगों ने समझ लिया। वही ना। और दूसरी तरफ से जब रस्सी लेने गए तो कहता नहीं हम इससे एडजस्ट हो जाएंगे। रस्सी भाई उनको बांध और फौरन घर पे चले गए। बाबू भाई कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर हो रहे। और सबसे बड़ी बात ये बाबू भाई ने यार शुरू में क्या किया, कहता छुप जाने, कहता असली घर तो अपना ही घर है ना छुपने में, फिर राजू के पीछे छुप रहा। यार बाबू भाई क्या चीज, लेकिन खैर चोरी तो इन्होंने कर ली है। लेकिन अब बाबू भाई भी जो है ना नीचे आके ख्याली पुलाव बांट रहा है, हर घर में 3 लाल लगेगा, फलाना लगेगा। लेकिन जरा मजा आ गया यार, क्या मस्त मूवी है। लेकिन देखो अभी अच्छा इन्होंने जो यार जो 3-4 करोड़ का माल चोरी किया है ना, अब वो जाहिर बात है गांजा और वो बीच में हेरोइन है या वो जो पाउडर शोडर होता है ना,
तो वो है, वो बेचेंगे तो पैसे आएंगे ना। लेकिन राजू कहता है कि यारा मेरे पास है बंदा जो वो हमें इसके 3 करोड़ देगा, लेकिन अब वो देखेंगे कि किस बंदे को जो है ना वो बेचेगा। और जाहिर बात है अब देख यार अहमद, इनको ये नहीं पता कि इनके पास गने भी करोड़ों की और ये हेरोइन चरस भी 3 करोड़ की। लेकिन भाई ये तो बन गए करोड़पति। और उधर से राजू कहता है जा यार मुझे सपना आया कि वो फिर से जो है ना वो अपना वो बांट रहा है लोगों में। तो कहता है वो सपना नहीं है, वो कहता है वो रियल में कर रहा है। यार अब मजा आ गया, लेकिन अब आगे देखते हैं क्योंकि फिर हेरा फेरी शुरू हो चुकी है। अब आने वाला मजा क्योंकि अब जबरदस्त सीन शुरू हो गया इधर से। सारी बात है अब सारी बात है क्योंकि उधर से नैनजी भाई भी थोड़ी छोड़ेगा। नैनजी भाई का जब माल चोरी हुआ वो थोड़ी छोड़ेगा, उधर से तिवारी अपनी वो ये गने थोड़ी छोड़ेगा। लेकिन लाला सही खिचड़ी बन गई है। लेकिन अब ये देखते हैं कि आगे होता है क्या। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।